हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पीने के लिए पानी के लिए क्रॉस करते हैं चौराहा। पार्षद मोहन दहिया का कहना है कि दिल्ली बाईपास चौराहे को क्रॉस करने के बाद पाई व गुड़गांव माइनर है, जहां पर पेयजल के लिए नलकूप लगे हुए हैं, वहां पर खरकुदा के रोजाना सैकड़ों व्यक्ति पानी भरने के लिए जाते हैं। महिलाएं भी वहां पर पानी भरने के लिए पहुंचती हैं, ऐसे में स्पीड अधिक होने के कारण वाहन की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए इन सभी मार्गों पर ब्रेकर लगाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में वाहन तेज स्पीड में ना आए और सड़क दुर्घटना ना हो, ताकि लोगों की जान बच सके। कम टोल देने के लिए KMP से गुजर रहे वाहन। जब से झरोटी मोड़ पर टोल लगा है, तब से GT रोड पर जाने वाले वाहन KMP से गुजरना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि KMP का टोल अपेक्षाकृत कम लगता है। इस तरह से खरखुदा दिल्ली मार्ग पर वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सड़क यातायात के नियमों पर खरी नहीं है, जिसके कारण यहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां वाहनों की भीड़ बढ़ रही है। शुक्रवार के वार्ड 4 के पार्षद मोहन दहिया ने SDM को शिकायत दी है कि दिल्ली बाईपास चौराहे पर 6 मार्ग टकराते हैं, ऐसे में लगातार हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक न तो NHAI द्वारा ब्रेकर बनाए गए और ना ही PW के द्वारा स्पीड ब्रेकर बनाए गए, जबकि इस दिल्ली बाईपास चौराहे को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, उसमें भी कई खामियां हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब वार्ड पार्षद मोहन दहिया द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर 30 दिनों के अंदर अंदर खरखुदा दिल्ली बाईपास चौराहे को विधिवत नहीं किया गया और स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए, तो वे वार्ड वासियों के साथ मिलकर मार्ग पर जाम लगा देंगे। यही नहीं, अब यहां पर कभी भी एक्सीडेंट हुआ तो इसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही NHAI और PWD की होगी। इस संदर्भ में वे खुद ग्रामीणों के साथ एकत्रित होकर दोनों विभागों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि जब से बाईपास चौराहा बना है, तब से दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन व दिल्ली की तरफ से जाने वाले वाहन यहां से तेज स्पीड में गुजर रहे हैं, जबकि यहां पर 6 पॉइंट ऐसे बनते हैं जहां विभिन्न दिशाओं का वाहन आते हैं और सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सभी वाहन स्पीड में आते हैं, जबकि डिपार्टमेंट को चाहिए था कि स्पीड कम करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। वार्ड 4 के पार्षद मोहन दहिया ने शुक्रवार को SDM शिखा से मिलकर इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस बारे में कोई कार्रवाई की जाएगी। मैं मोहन दहिया, पार्षद वार्ड नंबर 4 खरखुदा। हमारे दिल्ली रोड बाईपास जो चौक है, उसके ऊपर दिन प्रतिदिन बहुत सारे हादसे होते जा रहे हैं, जिसमें कि वहाँ पर अब तक जब से ये चौक बना है, नया बाईपास जो निकला है, 3-4 तो मौत भी वहाँ पे हो चुकी है। तो इस संदर्भ में आज मैं खरखुदा SDM से भी मिले थे और हमने वहाँ पर स्पीड ब्रेकर जो है वो बनवाने की मांग की है, ताकि इन हादसों से बचा जा सके। हमारे खरखुदा बाईपास के ऊपर नहर के ऊपर जो है वो नल लगाए गए हैं, जिसमें कि तकरीबन खरखुदा की बहुत सारी जनसंख्या वहाँ पर पानी भरने भी जाती है और बड़े हादसे होने की हर वक्त वहाँ पे संभावना रहती है। इसमें हमने SDM मैडम को भी आज इसमें लिखित में दिया है, दिल्ली की तरफ से जब हम खरखुदा में एंट्री करते हैं एक बड़े स्पीड ब्रेकर, और जब खरखुदा से हम दिल्ली की तरफ जाते हैं एक स्पीड ब्रेकर वहाँ पे, और जो न्यू बाईपास पुल के नीचे चारों तरफ जो सर्विस रोड है उनके ऊपर भी स्पीड ब्रेकर की हमने मांग की है। तो हम BNR विभाग से और SDM मैडम से, NHAI विभाग से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, ताकि इन हादसों से निजात पाई जा सके। अगर इन द फ्यूचर अगर वहाँ पर कोई हादसा और होता है, तो हम इसमें BNR और NHAI के खिलाफ अपने वार्ड वासियों के साथ मिलकर FIR करवाने का भी कार्य करेंगे, और BNR से और NHAI विभाग से हमें ये सख्त रूप में अपने वार्ड वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से ये संदेश देते हैं कि अगर आने वाले 10 दिन के अंदर अगर वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए, तो मैं पूरे वार्ड वासियों को लेकर के वहाँ पर जाम लगाने का कार्य किया जाएगा। कन्याकोले समिति के त्रिवार्षिक चुनाव प्रक्रिया पर जिला रजिस्ट्रार की ओर से 2 सितंबर तक लगाई गई रोक को और आगे बढ़ाते हुए 5 सितंबर तक कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी 5 सितंबर रखी गई है। इस दिन सुनवाई के बाद अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
खरखोदा बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान व कुलदीप दैया के वकील सुरेश दैया की तरफ से कन्या कॉलेज समिति में सदस्यता ना दिए जाने पर रजिस्ट्रार के समक्ष अपना पक्ष रखा गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा 29 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया पर 2 सितंबर तक स्टे कर दिया गया था। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद रजिस्ट्रार IS यादव ने अगली तारीख 5 सितंबर कर दी है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत बैरियट्रिक सर्जरी केयर फॉर एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, लेप्रोस्कोपिक वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रिक्टॉमी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास, रिविजनल बैरियट्रिक सर्जरी। कंसल्ट डॉक्टर प्रखर गुप्ता, बैरियट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, ट्यूलिप हॉस्पिटल। ऐसे ही दूसरे तालाब में स्पेशल ओपन खाल बना दिया। मेरे गांव से थाना कला से सैदपुर रास्ता जाता था कच्चा 33 फुट का, उसका रोड बनवा दिया। बड़ा गांव का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा, भाईचारे का भी सहयोग रहा और अपनी नेक और नीति ईमानदारी से काम किया। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।